अब बच्चों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरीड आउट विद 15 मोल ऑफ एसिटिलीन। बच्चों ये जो एसिटिलीन है ना, इसका दे रखा है 15 मोल। आ रहा है समझ में? द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डी फॉर्न इन ग्राम इज। इस क्वेश्चन को भी देखिए, फिजिकल से जोड़ दिया है इसने, मतलब एक ट्रेंड ही चल चुका है पिछले 3 साल से, देख रहे हो ना आप कि क्वेश्चन को फिजिकल से जोड़ दो, उसके मोल से जोड़ दो, ठीक है ना। इस तरह का चल रहा है आजकल ट्रेंड, और खास करके ये जो परसेंटेज यील्ड जो दिया हुआ रहता है, ये सब चीजें। खैर, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डी फॉर्न इन ग्राम पूछा अपने इस बच्चों। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात, जब हम 3 मोल एसिटिलीन लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3 मोल एसिटिलीन को जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं, तब बच्चों बनता है बेंजीन। 3 मोल यहां पर इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि यहां देखो परसेंटेज यील्ड है और मोल के बारे में बात हो रही है। इस क्वेश्चन में देखिए अमाउंट पूछा है ना बच्चों, तो यानी कि करेक्ट मोल हमें पता होना चाहिए कि कितना मोल यूज हुआ, कितने से कितना बना। अब तो हमें मोल के बारे में बात करनी ही पड़ेगी, वो भी सही सही। तो बच्चों ये ए हो गया। फिर ए के बाद जो है यहां पर आप देखो, ये AlCl3 ये कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होकर के बच्चों ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएगा, और इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगा ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और प्रोडक्ट बनेगा क्यूमीन। आगे समय हम पहुँच चुके, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब बच्चों इसके बाद क्यूमीन का जब हम O2 और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो बच्चों 2 प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट में बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, फिनॉल वाले चैप्टर में रिएक्शन मिलता है आपको, और उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चों 2 प्रोडक्ट मिलता है, एक तो फिनॉल मिलता है और दूसरा मिलता है बच्चों एसीटोन। तो यहाँ पर देखो एसीटोन को माइनस किया हुआ है, मतलब एसीटोन नहीं है यहाँ पर, मेजर प्रोडक्ट जो है बच्चों एक्चुअली में होता तो फिनॉल ही है। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट की बात नहीं किया है, जो मेजर है उसकी बात किया है। तो यहाँ से अगले स्टेप में क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे और उसमें से एसीटोन को हटाएंगे, तब बच्चों अपने को मिलेगा फिनॉल। फिनॉल तक पहुँच चुके, ये हो गया सी। अब इस सी में बच्चों अगला क्या है, अगला है एसिड क्लोराइड। बच्चों एसिड क्लोराइड के साथ अगर लुईस एसिड AlCl3 दिया होता ना, AlCl3, तब होता फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या होता, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, बट यहां पर कुछ भी ऐसा दे नहीं रखा है, तो इसीलिए यहां पर फिनॉल का होगा इस एसिड डेरिवेटिव पर अटैक, रिएक्शन होगा SnA और प्रोडक्ट बनेगा बच्चों एस्टर, फिनाइल एस्टर बनेगा। इसको बोलते हैं फिनाइल एसिटेट। क्या बोलते हैं बच्चों, फिनाइल एसिटेट। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया डी। क्लियर है? मैकेनिज्म कौन सा लगा बताइए, SnA। एसिड डेरिवेटिव में कौन सा मैकेनिज्म लगता है, SnA ही लगता है। ये बना दिया बच्चों, फाइनली हमने सब कुछ बना दिया, लेकिन क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है, मतलब सही से शुरू भी नहीं हुआ है। 15 मोल दे रखा है बच्चों इसका, इसका 15 मोल एसिटिलीन का गिवन है। यहां पर यील्ड है बच्चों 80%, यहां पर यील्ड है 50% अगले स्टेप में, अगले में बच्चों 50%, और उसके में अगले में 100% यील्ड है। इस तरह से चल रहा है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 मोल एसिटिलीन का दिया है तो ए का कितना मोल बनेगा, सोचिए। सोचने का टाइम है, आप भी सोच सकते हैं पैरेलल में। देखिए मैं बताता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जब 3 मोल यूज होता है ना तो इसके 1 मोल बनते हैं, 3 मोल यूज होता है तो इसके 1 मोल बनते हैं। तो अगर मैं मोल निकालूं, मोल ऑफ ए, तो 3 मोल से 1 मोल बनता है, तो 1 में 1/3 हो जाएगा, और इनटू में टोटल 15 मोल है इसका दिया हुआ बच्चों, 3 में 1 बनता है तो 1 में 1/3 हो जाएगा, 15 में 1/3 इनटू का 15 हो जाएगा। ये सब तो आप समझते ही होंगे, तो ये 15 मोल हो गया। लेकिन ये तो तब होता ना जब 100% यील्ड होता बच्चों। यहां पर यील्ड कितना है, 80%, तो हमें यील्ड से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 तो ऐसे ही कट जाएगा। अब बच्चों यहां पर 15 गुना 8 कितना हो गया, 120 हो गया, फिर 3 गुना 10 हो गया, यहां से ये कट गया बच्चों, ठीक है ना, और 3 से इसको भी काट दो तो यहां पर कुल मिलाकर 4 मोल आ गया। तो ये मिला बच्चों 4 मोल, ये आया आपको कैलकुलेशन करने। देखिए 3 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 1 में 1/3 हो गया, 15 का हो गया 1/3 × 15, लेकिन यील्ड दे रखा है 80%, तो 80% से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 80/100। 0 0 काट दिया, 15 × 8 120 हो गया बच्चों, फिर उसके बाद 3 × 10 हो गया, 0 से 0 कटा, फिर उसके बाद 4 मोल आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अब 1 मोल बेंजीन ही तो 1 मोल क्यूमीन में बदल रहा है, तो 4 मोल से 4 मोल ही बनेगा, तो 4 × 50% भी करना पड़ेगा, 4 × 50% करना पड़ेगा बच्चों। तो यहां से मोल कितने आएंगे बताइए, 50 × 200/100, 2 मोल आ गए। फिर क्यूमीन के 1 मोल से बच्चों फिनोल भी 1 ही मोल प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो यहां पर भी 1 ही मोल प्राप्त होता है, तो 2 मोल से 2 मोल प्राप्त होंगे, तो 2 गुने, लेकिन यील्ड कितना है बच्चों, 50% है, तो फिर से 50/100 करना पड़ेगा, तो यहां से बच्चों 1 मोल आ गया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अगले में देखो यील्ड क्या है बच्चों, फिर फिनोल से जब ऐसे नहीं रिएक्शन हो रहा है तो कितना मोल बनता है, तो ये भी 1 ही मोल बनता है। तो बच्चों 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो यहां पर ये ऑलरेडी 1 मोल है और यील्ड भी 100% है, इसका मतलब मोल ऑफ डी जो प्राप्त हुआ वो भी 1 मोल ही प्राप्त हुआ। हमसे क्वेश्चन में पूछा था अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी, क्या पूछा था बच्चों, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी। तो अब क्वेश्चन फाइनल की ओर है, मोल ऑफ डी जो मिला बच्चों वो 1 मोल मिल गया, है ना। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर्न इन ग्राम पूछा है बच्चों, इतिहास निकालेंगे हम मास ऑफ डी। सबसे पहला नंबर बच्चों इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बना लेते हैं। तो 6 6 कार्बन इस रिंग में और 2 यहाँ पर बच्चों, तो 6 2 8 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 तो इस रिंग में और 3 इधर बच्चों, तो 8 तो हाइड्रोजन इधर हो गए, 5 3 8 हो गया, है ना, 8 कार्बन फिर 8 हाइड्रोजन हो गया, फिर बच्चों ऑक्सीजन हो गए 2, 8 कार्बन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए 2। चलो तो मोलर मास निकाल लेते हैं, 12 × 8 = 96 प्लस का 8 और प्लस का 16 × 2 = 32 कितना हो गया, तो ये दोनों को देखो 40 हो गया बच्चों, और 96 136 हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 136 ग्राम हो गया। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक ही है, इफ द रिएक्शन मतलब अमाउंट ऑफ
प्रोडक्ट डी फॉर्म इन ग्राम, तो कितना हो जाएगा बच्चों 136 ग्राम। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा।